शायद मान जी समझ आई वो मोहम्मद रसूल जैसे अल्लाह फिर आंदा कुरान पाक जी आजन अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हजूर पर सलात करते अरबी जबान जिते सलात होंदा उसे अगे जो अला लिखा होंदा अला करम सलावात रब्बे युसल्ली अलैकुम युसल्लून अला नबी अला इहदा माना होंदा तारीफ करना शाबाश देना अल्लाह ने आख्या बंदियां ते की देनी है मैं पुकार उठा के वाह 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 मुहम्मद जो तू कर दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं कर ए तारीफ करनी तहसीन और आफरीन कहना बल्ले 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 अपनी बोली जे नू अरबी जबान दरूद आंदी दरूद दा माना भी तारीफ करना ही फारसी दा लफ ए जिहड़ा दुआ असीं पढ़ने इस तो असीं होर तारीफ करन जोगे कोई नहीं साढ़े कोल की असीं अल्लाह नू लुटा देने बे अल्लाह ना साडियां जबानां ना साडे कुछ आउंदा जांदा अल्लाह मसल्ले आला तू अपनी रहमत और खजाने ना ही हजूर नू शाबाश दे दे रहा कह अल्लाह शाबाश देता है अल्लाह दे फरिश्ते देते तो आया है कायनात का मान आए देर याब तू निकले तेरी तलाश में काफिला आए रंगो बड़िया बहारा आईया बड़े नबी रसूल आए अपने अपने वक्त काम किया उन्होंने मगर आखिरी जरा थी ना जेदे पारों सारी रौनक थी दुनिया से आगे और अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने आके वह काम किया जिन्हों भुल गए झंडियां लाउनिया रह गई भाई करोड़ों रुपया ला के झंडियां ला दो अगले दिन साड़ फूक दौ जो कम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किया देते अल्लाह ने शाबाश दी रसूल ने शाबाश दी किसी नू याद ना रहा किसी मजलस उहदा बयान नहीं कोई पल्ले नहीं बनता बे इंसान उस वे किस चक्की च पिस रहा सी दुनिया किस तरह किरा रही थी रो रहा से इंसान आसमान से चीखा जा रही थी ये समझो एक लाश बन चुका से इंसान जिन्हू खाण वास्ते बहुत गिरद से कोई गिरजियां बैठे से आलम बने से और लुट रहे खलके खुदा जी उन्होंने हाथ शिकार से पीर और मौलवी से यह भी ठगा का एक टोला से उदों भी सी तो हूँ भी है याद रखो जिमें ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया बै ये फरकी हो और फरीसियो यहूदियों के आलमनों के तुहाड़ी मिसाल चूना गज कबर की है उत्तों वेखो तो बहुत आरा दिखोलिए सलाम दर बदलू तुम गंदे जे और अल्लाह के बहिष्ट जान तो खलके खुदा रोक ले दुनिया जन्नत चली जानी सी तुम मौलवी और पीर नहीं जान रहे ए बुरा ना मनोना यह सिर्फ टोंग है इन्हों का बेदाड़ियाँ रख लेंगे मैंबर के असल डाकू दीन दिल सूसो दीन कहना चाहिए कि दीन के डाकू खल किसी अपने पंजे च रखना चाहते झूठे सच्चे मसले करके अपने हाथ चमा चाहते लोग थले बहन असी उत्ते बहीए साडे आए तो खल ये खुदाई करना चाहते और इस तरह सरमायादार लोग से जेडे अपनी दौलत के जोर ने लोगों को कुचल के रखते कि मजदूरों ने उन्होंने मजदूरी नहीं देनी भुखे मारना अपने दरवाजे से मांगत बना के खड़े करना गुलाम लौंडियां बना लेना वक्त के बादशाह मैं इस तो अपनी तरफों कुछ बयान करने की बजाय हजूर दे इनकलाब लिए अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ूंगा कि अल्लामा इकबाल की दस्या कि रसूला ने आगे किया कि इनकलाब की है और उन्होंने भुल फुला के सारे फिर वही धंधे है उस तरह मुला और पीर है बाकी ना रही तेरी व आई ना जमीरी ऐ कुछ ताए मुलाई ओ सुल्तानी ओ मीरी सानू तिना दा मारिया क्या उन्हें बे तीन बंद ने इंजैक्शन ला के तेनू मार छड़िया बादशाह ने मुसलमान खवाद मैं कावे च वरके अल्लाह अकबर किया मैं छाते चढ़िया बेईमान डिक्टेटर आ शरीयत आन नहीं देंदे खलके खुदा जी भुख ना रोंदी है जालम अपना राज कर सुल्तानी मुलाई मुला बैठे है मीर बैठे है बड़े बड़े सरमायादार जगीर सारे दुनिया का माल लुट के एक ने इकट्ठा कर रहा बाकी रोंदे फिर महंगाई होंगी उन्होंने कोई परवाह नहीं आते सगो और इस महंगाई से महंगा करो सौदा दिखाओ ऐ कुश्ता है सुल्तानियो मुलाइयो पीर ऐ मुसलमान तू जबा किया होया है सुल्ताना का मुलावान का बाद अमीर लोगों का तेरे अंदर और रोशन रमीर ही नहीं और साफ दिल दिले मुसलमान दे सी नहीं रहे तो जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आए उस वे जो हाल सी जिस तरह आके आपने तब्दीली की बूद इंसान दर जहां इंसान परस उनवान यदा की है नजम का सारी दुनिया फैला दो उर्दू तर्जमे नाले कला कला छापो जे हजूर की विलाद की खुशी करनी थे दर मान आई के मकसूद है रसालत मुहम्मदिया तश्कीलो तासी से हुर्रियो तो मुसावा तो खो ते बनी नौ आदमस हाँ इकबाल है जिन्होंने कुरान का पता था जी सा आंदे रसूला जी नब्बत का मकसूद की है पैगंबरे खुदा कद लिए आया ताकि दुनिया बुनियाद रखन अड़े नूं पाया तकमील तक पहुँचाउण हुर्रियत आज़ाद कोई किसी का गुलाम ना रवे किसी का जबर और दबाव नहीं हर आदमी जो दे दिल चो कह सके सदर दे मुँह से भी कह दुनिया की कोई ताकत उन्हें कवे ना चुप कर आए और नाल मुसावात बराबरी हर शख्स नूं मौका होवे कि दुनिया च इज्जत की जिंदगी गुजारे उन्हें मकान मिले रोटी मिले तालीम मिले उखुवत
और सारे बनी आदम भरा बन के आते तीन ही मकसद है हजूर की रसालत के आजादी मुसावात और भाईचारा बोल इंसान दर्द हाँ इंसान पर किड्डा आराम होया इंसान से थोड़ा जहा इनकलाब है यह लफजी गिनते है हजूर ने मिट्टी तो चुकया तो आसमान से इंसान को फसाता जो रोन रहा है वह आसमान से चले गए और गरीब भी बादशाह के सामने इस तरह डट के खड़ा हो गया काम करो मेरी तरह नुस्खे च पैदा होया इंसान की करता फिर इन्नी जुरत बख्शी और ये कुरान भी है जी मैं सूरा अनफाल की पढ़ी अगर वो तुहाडे ज़हन च नहीं उहदा तर्जमाया फरमाया लमा युहयीकुम एक जिंदगी खुदा देंदा है बे बेजान टांचे जान पाउंदा एक जिंदगी आके मुहम्मद ने दिती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरे इंसानां नूं लमा युहयीकुम मन ला रसूला दी गल इज़ा दाकुम लमा युहयीकुम जदों ये उस गल वल बुलाउंदा जी मन लोगे तो जिंदा हो जाओगे जिंदा अगे भी फिरदे आ मगर लाशां हैं कोई जुरत नहीं कोई दलेरी नहीं कोई हक नहीं कैसे मरे आ पर मैं रसूला की गल मनो जिंदा हो जाओगे जिंदा कर दिता आपने बूद इंसान दर्द हाँ इंसान प्रस्त ए किताबा इतने लिखिया जा सकती हैं जो आपका कारनामा कि इंसान दुनिया च इंसान की पूजा कर रहा कोई पीर न मत्था टेक रहा सी कोई मौरवी को जन्नत मंगता सी कोई बादशाह तो डरता सी कोई सरदारा के दरवाजे जाके मांग सी इंसान दुनिया च इंसान का पुजारी सी ना कसो ना बूद मंदो जहर कोई ऐसी हैसियत नहीं सी ना होने के बराबर सी थले डिगा सी सतवते किसराओ कैसर रह दनश बंद हा दरदस्त पाओ गर्दनश कैसर और किसरा जिहड़े डिकटेटर बादशाह सी रोम दे ईरान दे उन्हां दी शौकत और जलाल जिहड़ा और डाका मार रही थी रस्तियां जिन्हां गरीबां नूं कुचल के रखिया तुसीं इंसान जी और बल्कि आ जिहड़ा हदीसे पाक आउंदा बे गिटियां तो थले ना कपड़ा होवे ते बहुत एहतियात हजूर ने की ना वरना गिटियां तो कपड़े का तुहानूं पता कौन लोग सी चाली चाली गल पिछे हुंदा सी उहनां दा जुब्बा जिहनूं लोग गुलामां दी तरह उठा के चलते सी वजीर उठाउंदे सी बड़े बड़े हुक्मरान उठाउंदे सी कि शानशाह बादशाह दा बादशाह दे लिबास नूं उठा के तुरो तद हजूर ने फरमाया मुतकबर और जालमो इंसान हो के एडा लंबा कपड़ा वी चुक के बंदे दूसरे चुकन हैं इंसानां दी हैसीयत ही कोई नहीं सी फरमाया किसरा और कैसर जिहड़े आ उन्हां दा रोब और राब डाकू बन के राह बैठा खलके खुदा दी हैसीयत ही कोई नहीं सी उन्होंने बंद आ दरदस्तों पाओ गर्दन हथां च पैरां च गर्दनां च बेड़ियां पईयां बिलकुल इन्हां नूं कुचलिया होया सी काहनो पापा सुल्तानो अमीर फिर मैं आ गया कोई काहन है मौलवी कोई पापा है पोप फरोम कोई बादशाह अमीर है बहर यक नस्तीर सद नस्तीर शिकार बेचारा एक सी इंसान शिकारी बहुत सारे आप अपनी बोटियां नोचली ना मौलवी अपना खराज मंगता सी भाई सानू नजराने दया करो बादशाह जड़े से अपना आते सी टैक्स दो एक कमाने जोगा से गरीब कुछ नहीं ना किसान दे पले कुछ रह जाता सी ना आम कारोबार टैक्सा से सब चला जाता तुम हूँ पुगती रह आटा तक नहीं लभदा कतारा ही लगे मारा खाते साहेब है और अंगो हम पीरे क्रिश्त बाद बार किश्ते खराब है उन्हें हूँ दरूद पढ़ना है जे समझ आ गई दरूद क्यों ना पढ़िए जिन्हें नहीं कहना तो आके साड़ी जान फुराई तोड़ दतियाँ बेड़ियाँ कौन है इंसानों अपना गुलाम बनाने वाला साहेब है और अंगो हम पीरे क्रिश्त कितने कोई तख्ते बैठा है कोई गिरजे च पीर बन के बैठा बाद बार किश्ते खराब है उन और हर एक ने मुख्तल रंगा च अपने टैक्स लाए इस गरीब का खेत उजड़िया पिया है इन्हां दे टैक्स नहीं मुकदे ये हुकूमत का टैक्स है ये पीरां दा नजराना ऐस दुनिया तुसीं वेखोगे वी हुण वी गद्दियां दे मालक आ कोठियां च रह रहे कारां ते आउंदे और मरीज बेचारा दिहाड़ी कमा के आउंदा नाल पैसे इकट्ठे कर रहे बोरियां तुसीं वेख लोगे जिथे कोई पीर आवे जाके मजदूर दस रुपये देंदा तो उस बोरी च पै जांदे शर्म नहीं आउंदी इहदियां बच्चियां बैठियां इस गरीब दे पले कोई नहीं मैं करोड़ां लई फिरदा कोलों दिआं मैं लै आ मरीद पुत लख रुपये ना बेटी ने दस ही मिलदे जेब पा लै डाकू कट्ठे फरमाया इस गरीब बेचारे की खेती वीरान और इन्हें उत्ते टैक्स अपने लाए दर कलीसा उस कुफेर इजमां फरोश बहरी सहद इजमू दामे ते गिरजियां दे अंदर पादरी बिशप जन्नत वेच रहे यह तारीखी हकीकत है जिन्होंने इंग्लिस्तान की तारीख दार ईसाइयों पता है ऐसा दौर आया कि पोप ऑफ रोम जरा इस गल का मुद्दे ही है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नायब दुनिया से मैं जो ईसा अलैहिस्सलाम गया अपनी जगह शमून पतरस नूं खलीफा बना के गया तो दो कुंजियां दे गया ब्याह जन्नत की होता दोज़ख की हुण भी कुंजियां इस कोल है कि जन्नत और दोज़ख की दो कुंजियां दित्तियां जिन्हों मैं बख्शना बख्शा जाता और जिन्हों मैं जहन्नमी कह दिया रब नहीं उन्होंने बख सकता और ये मामला इतों तक बढ़िया ऐसे पोप भी आए जिन्होंने बदमाशियां गर्क होकर दौरत बहुत आवे
बादशाह तक पर उन्होंने ढाला।